हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास ये सैमसंग गैलेक्सी J5 है। तो इसमें जो है गूगल FRP लॉक मांग रहा है। तो इस FRP को आप किस तरह से बाईपास कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक देखते रहे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें। तो सबसे पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि इसमें गूगल FRP लॉक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो पुराना वाला जीमेल जो है मांग रहा है। तो सबसे पहले आपको टॉक बैक को इनाबल करना है, होम की को 3 टाइम के लिए प्रेस करके, उसके बाद एल टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 टाइम के लिए फिर से टॉक बैक को आपको डिजेबल कर देना है, बंद कर देना है, एल टाइप करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एल टाइप करने के बाद टॉक बैक सेटिंग के ऊपर जाना है, ठीक है। टॉक बैक सेटिंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे होम की को 3 टाइम को प्रेस करके टॉक बैक को डिजेबल कर देना है। डिजेबल कर देने के बाद हेल्प एंड फीडबैक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर URL सब बन गया। तो यहाँ पर यूट्यूब को चलने देना है। चलने देने के बाद ये यूट्यूब जैसे ओपन होगा, स्लाइड राइट करके नीचे लाना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको टाइप करना है। वो लिंक यहाँ पे डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है, देखिए। तो ये इस लिंक को आपको डालना है बारीकी से। तो bit.ly/2xp4vkf, तो इसको आपको टाइप कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे, उसके बाद इसको आपको गो करना है। तो गो करने के बाद यहाँ पे GP लिंक करके आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम के लिए वेट करना है, पूरा पेज को ओपन होने देना है। इंटरनेट स्पीड के ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज़ कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करना है। तो यहाँ पे कार को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कार को सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद वेरीफाई के नाम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने टाइमर जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इस टाइमर को आपको ख़त्म होने देना है, ठीक है। टाइमर को ख़त्म होने देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 सेकेंड हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे जाना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ग्रेट लिंक ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे पेज पे ले जाने के बाद इसको आपको क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे टैब है, देखिए। तो यहाँ पे फिर से आपको जो है नॉर्मल पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे मेरा वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो मेरे वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है, एपेक्स लॉन्चर को, इजी बाईपास को, नोगाट एंड्रॉयड को, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या करना है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन को अब भी आपको डाउनलोड करना है। तो वो किस तरह से करना है आपको मालूम ही है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे जाने के बाद इजी बाईपास को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। तो दूसरा वाला एप्लीकेशन को भी आपको डाउनलोड करना है, नोगाट एंड्रॉयड को भी, ठीक है। कर लीजिए आप, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। आप तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बुकमार्क पे जाना है। बुकमार्क पे जाने के बाद इसको कैंसिल कर देना है। हिस्ट्री पे जाना है, डाउनलोड हिस्ट्री पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए एपेक्स लॉन्चर जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो सेटिंग पे जाने के बाद अननोन सोर्सेज के ऊपर टिक लगाना है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर अलाउ कर देना है, उसके बाद ये एपेक्स लॉन्चर जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सेटिंग पे जाना है, सिंपली सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको माई फाइल के अंदर जाना है। तो जैसे आप माय फाइल के अंदर जाएंगे, उसके बाद आपको जाना है इंटरनल स्टोरेज के अंदर। तो डाउनलोड पे होगा फाइल, तो यहाँ पे इजी बाईपास को आपको इंस्टॉल कर देना है। तो सेम ही प्रोसेस है, उसको इंस्टॉल कर देने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इसको अगर ओपन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था तीनों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। तो फिर से यहाँ पर क्या करना है, ब्राउज़र पर जाना है। तो आपने जिस ब्राउज़र से इसको ओपन किया था, तो मैंने इंटरनेट से किया था। तो मैं इंटरनेट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद मैं यहाँ इसको उसको ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, नोगाट एंड्रॉयड को। तो आप अगर पहले से करके रखा हुआ है तो आपको इजी पड़ेगा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो मैं नोगाट एंड्रॉयड नोगाट को यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यह इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो है सैमसंग J4, सैमसंग के किसी भी फ़ोन का FRP बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, तो मैंने J4 का वीडियो तो बनाया था, बहुत सपोर्ट किया था आप लोगों ने, बहुत प्यार दिया था।
तो इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो आपके पास अगर ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है तो इसको इंस्टॉल कर देना है, उसके बाद इसको डन कर देना है। उसके बाद अगर आप इजी बाईपास को अगर यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आपका काम खत्म, यहाँ पे आपका कोई भी काम नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो बैक कर लेने के बाद आपको इजी बाईपास को यहाँ पे फिर से आपको इंस्टॉल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है, यहाँ पे ब्राउज़र साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आप कोई सा भी एक जीमेल दे सकते हैं, अगर आपके पास जीमेल नहीं है तो क्रिएट का ऑप्शन है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है इसी जीमेल का। तो इसी जीमेल का पासवर्ड देने के बाद मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे भी, तो देखिए साइन इन हो रहा है। तो साइन इन होने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप अगर चेक करना चाहते हैं कि इसमें जीमेल रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, श्योर होना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग के अंदर जाना है, ठीक है। हाल फिलहाल में यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, देखिए मैं बताता हूँ, क्लाउड एंड अकाउंट का अंदर जाना है। तो कहाँ पे है देख लेते हैं एक बार फिर से। तो ये देखिए क्लाउड एंड अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी जीमेल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सिंपली आपको फ़ोन को कर देना है यहाँ पे रिबूट टू सिस्टम नाउ। तो मैं यहाँ पे फ़ोन को कर देता हूँ रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले सेटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरह से करना है। तो देखिए अकाउंट ऐड हो चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें, ठीक है। तो इस तरह से जो है किसी भी सैमसंग फ़ोन का आप FRP बाईपास कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको बाईपास करना है। तो पूरी तरह से फ़ोन आपका बाईपास हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी।